हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईसीएमई चैनल। सो यहां पे आपको दिख रहा होगा बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 100 में हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं पहले वाले वीडियोस में। ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला हुआ है उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में क्या बोल के रखा हुआ है, अ रिजिड मेंबर इज सपोर्टेड बाय कॉपर एंड स्टील वायर एज शोन। ठीक, सो कॉपर स्टील वायर दिख रहा होगा, ए बी आपके पास रिजिड मेंबर है। स्ट्रेस आपको फाइंड आउट करना है कॉपर के वायर में और स्टील के वायर में। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गिवन है, क्रॉस सेक्शन एरिया में आपके पास वायर का जो है वो गिवन है। ठीक है, तो आपको स्ट्रेस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप समझो कि भाई ये जो 100 किलो न्यूटन है, इस 100 किलो न्यूटन का इफेक्ट इस कॉपर और स्टील के वायर में क्या पड़ने वाला है, राइट। ये जो 100 किलो न्यूटन का जो लोड लगा हुआ है, इस 100 किलो न्यूटन का लोड ये जो कॉपर है और स्टील का जो वायर है उसमें क्या पड़ने वाला है, तो बड़ा सिंपल है कि ये जो 100 किलो न्यूटन का लोड है इसके कारण से कॉपर और स्टील के वायर में, ठीक है, एक एक्सियल फोर्स आएगा। ठीक है, ये जो कॉपर और स्टील का जो वायर है, कॉपर और स्टील के वायर को अगर देखोगे तो एक एक्सियल फोर्स आएगा, और वो जो एक्सियल फोर्स होगा दैट एक्सियल फोर्स इज नॉर्मल फोर्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट नॉर्मल फोर्स ये जो कॉपर है और ये जो स्टील है इसमें आपके पास क्या देखने को मिलेगा, आपको नॉर्मल स्ट्रेस देखने को मिलेगा। नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो सेटअप होगा कॉपर और स्टील में, राइट। सो नॉर्मल स्ट्रेस अगर फाइंड आउट करना है, तो नॉर्मल स्ट्रेस अगर फाइंड आउट करना होगा तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं यहां से अगर मैं बोलता हूं कॉपर, सो कॉपर में ये हो जाएगा, कॉपर में जो एक्सियल फोर्स आ रहा है डिवाइडेड बाई नॉर्मल फोर्स आ रहा है डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉपर। वैसे ही अगर मेरे को फाइंड आउट करना होगा किसमें, स्टील में, तो लिख सकता हूं ये हो जाएगा पी एस डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा ए एस, राइट। सो ए कॉपर ए स्टील गिवन है, ये कॉपर का एरिया ये स्टील का एरिया ये हमको गिवन है। हमको फाइंड आउट करना है क्या, हमको फाइंड आउट करना है पी सी और पी एस, मतलब कॉपर के वायर में फोर्स एक्सियल फोर्स और स्टील के वायर में एक्सियल फोर्स, ये दोनों आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि अगर ये फाइंड आउट कर लोगे तो आप स्ट्रेस बड़ी आसानी से बता सकते हो, राइट। सो पी सी और पी एस को फाइंड आउट करने से पहले, ठीक, यहां पर थोड़ा समझना कि जब हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट पे पढ़ते हैं तो यहाँ पे दो टाइप के प्रॉब्लम्स के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो प्रॉब्लम आपके पास दो टाइप का प्रॉब्लम होता है सॉरी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपके पास दो टाइप का प्रॉब्लम है। एक मेरे पास क्या है, स्टैटिकली डिटरमिनेट प्रॉब्लम, और एक होता है हमारे पास क्या, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट प्रॉब्लम, राइट। अच्छा, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, स्टैटिकली डिटरमिनेट प्रॉब्लम और स्टैटिकली इनडिटरमिनेट प्रॉब्लम में दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो, स्टैटिकली डिटरमिनेट प्रॉब्लम है यहां पे दैट नंबर ऑफ अननोन्स इन अ प्रॉब्लम इज सेम एज नंबर ऑफ यूजफुल इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अच्छा, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कौन कौन से हैं, समेशन एफ एस बराबर जीरो, समेशन एफ आई बराबर जीरो, एंड किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट मोमेंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू जीरो। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है इक्विलिब्रियम इक्वेशन। सो अगर किसी भी प्रॉब्लम में जो नंबर ऑफ अननोन्स है, दैट नंबर ऑफ अननोन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूजफुल इक्विलिब्रियम इक्वेशन, तब उस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिकली डिटरमिनेट प्रॉब्लम। क्लियर है पॉइंट। और अगर आपके पास ऐसा नहीं है, इफ नंबर ऑफ अननोन्स इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ यूजफुल इक्विलिब्रियम इक्वेशन, इफ नंबर ऑफ अननोन्स इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ यूजफुल इक्विलिब्रियम इक्वेशन, तब उस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं स्टैटिकली इनडिटरमिनेट प्रॉब्लम। उसमें आप नंबर ऑफ अननोन्स हो, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशन ही कम है, और नंबर ऑफ इक्वेशन अगर कम होंगे नंबर ऑफ अननोन से, मतलब नंबर ऑफ अननोन ज्यादा है, तो आप अननोन को फाइंड आउट कैसे करोगे। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। सो यहां पे आपको जरूरत पड़ती है किसकी, यहां पे आपको जरूरत पड़ती है कॉम्पेटेबिलिटी इक्वेशन की, करेक्ट है। आपको किसकी जरूरत पड़ती है, आपको जरूरत पड़ती है कॉम्पेटेबिलिटी इक्वेशन की,
और किसी भी स्टैटिकली इनडिटरमिनेट प्रॉब्लम में कितने कॉम्पिटिबिलिटी इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, तो कितने कॉम्पिटिबिलिटी इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, तो वो जरूरत पड़ती है इनडिटरमिनेसी के बराबर। इनडिटरमिनेसी के बराबर जितना प्रॉब्लम में इनडिटरमिनेसी होगा उतना आपको नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इक्वेशन या फिर कॉम्पिटिबिलिटी इक्वेशन आपको चाहिए होगा। सो इनडिटरमिनेसी क्या है, दैट इनडिटरमिनेसी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स माइनस नंबर ऑफ अननोन्स माइनस यूजफुल और नंबर ऑफ यूजफुल इक्विलिब्रियम इक्वेशन, नंबर ऑफ यूजफुल यूजफुल इक्विलिब्रियम इक्वेशन, करेक्ट है। प्रॉब्लम में स्टैटिकली इनडिटरमिनेट प्रॉब्लम है उसमें कितने की इनडिटरमिनेसी है, तो जितने नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स जैसे सपोज नंबर ऑफ अननोन्स चार है और प्रॉब्लम में आपके पास यूजफुल इक्विलिब्रियम इक्वेशन, जो यूजफुल इक्विलिब्रियम इक्वेशन है वो कितने हैं, तीन है, तो प्रॉब्लम में कितने की इनडिटरमिनेसी होगी, प्रॉब्लम में इनडिटरमिनेसी होगी वन के। और कितना आपको एक्स्ट्रा इक्वेशन चाहिए होगा, कितना आपको कॉम्पिटिबिलिटी इक्वेशन चाहिए होगा, तो कितना आपको कॉम्पिटिबिलिटी इक्वेशन चाहिए होगा, दैट इज वन। इनडिटरमिनेसी के बराबर आपको कॉम्पिटिबिलिटी इक्वेशन चाहिए होगा, राइट। सो जो कॉम्पिटिबिलिटी इक्वेशन है वो हमेशा प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग बनता है, ठीक है, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। जैसे ये प्रॉब्लम में कॉम्पिटिबिलिटी इक्वेशन कुछ और होगा, किसी और प्रॉब्लम में कॉम्पिटिबिलिटी इक्वेशन कुछ और होगा, राइट। सो कॉम्पिटिबिलिटी इक्वेशन हमेशा प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग होता है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन तो यही है, समेशन एफएक्स बराबर जीरो, समेशन एफवाई बराबर जीरो, ठीक है, किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट, किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट मोमेंट दैट इज इक्वल टू जीरो, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन यही है। लेकिन अगर मैं बात करूं कॉम्पिटिबिलिटी इक्वेशन की, वो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग क्या होता है, चेंज होता है। सो सबसे पहले आप ये समझो कि ये जो प्रॉब्लम है ये दोनों कैटेगरी में से, ठीक है, स्टैटिकली डिटरमिनेट, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट, दोनों कैटेगरी में से किस कैटेगरी में आ रहा है ये प्रॉब्लम, राइट। सो यहां पे अगर देखोगे तो सबसे पहले आप समझिए कि इस प्रॉब्लम में नंबर ऑफ अननोन्स कितने इन्वॉल्व है, राइट। सो यहां पे आपके पास हिंज सपोर्ट है और हिंज सपोर्ट में आपके पास दो डायरेक्शन में मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होता है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। सो जितने डायरेक्शन में मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो रहा है उतने डायरेक्शन में आपके पास क्या आएगा, रेजिस्टेंस आएगा या रिएक्शन आएगा। तो ये रिएक्शन हो गया आर एक्स और ये रिएक्शन हो गया क्या, ये हो गया रिएक्शन आर वाई, ठीक है, दो रिएक्शन हो गया आर एक्स आर वाई। यहां पे जो अननोन है वो मेरे पास क्या हो गया PC और यहां पे जो अननोन है ये मेरे पास क्या हो गया PS। तो प्रॉब्लम कितने अननोन है, RX RY अननोन है, PC अननोन है और PS अननोन है, चार अननोन्स है। और कितने यूजफुल इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, यहां पे आपके पास तीन यूजफुल इक्विलिब्रियम इक्वेशन है इस प्रॉब्लम में, तीनों ही आपके पास इक्वेशन यूजफुल है। तो तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन है और चार अननोन्स है, मतलब ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम स्टैटिकली इनडिटरमिनेट प्रॉब्लम का एग्जांपल है, राइट। सो अपार्ट फ्रॉम दिस इक्वेशन आपको एक और एक्स्ट्रा इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं कॉम्पेटेबिलिटी इक्वेशन। गेटिंग माय पॉइंट, राइट। चलो तो ये इतना समझ आ गया यहां से कि ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम स्टैटिकली इनडिटरमिनेट प्रॉब्लम का एग्जाम्पल है, राइट। अब आपके पास क्या करना है, आपको अननोन जो है वो अननोन आपको फाइंड आउट करना है, ठीक। यहां पर तो देख रहे हैं पीसी और पीएस आपको फाइंड आउट करना है तभी आप स्ट्रेस फाइंड आउट कर पाओगे, राइट। अच्छा, हिंज में नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने आएंगे, दो ना, ठीक है। जैसे ये नंबर है और यहां पे अगर इस पे और पिन लगा दोगे तो एग्जांपल हो जाएगा हिंज का, एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है क्या, नहीं। इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है क्या, नहीं। तो अगर इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है तो रिएक्शन आएगा, इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर पा रहा है तो रिएक्शन आएगा, सिर्फ क्या कर सकता है, ये फ्रीली रोटेट कर सकता है, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में मोशन रिस्ट्रिक्टेड है उस डायरेक्शन में आपके पास रिएक्शन आएगा। तो कितने रिएक्शंस हैं, आर एक्स और आर वाई, क्लियर पॉइंट। नाउ यहां पे अगर फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप बनाओगे, अगर मैं रिजिड मेंबर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, ठीक है, सो रिजिड मेंबर का अगर फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाए यहां पे तो देखते हैं, चलो। सो जो जो मेंबर में फोर्स आ रहा है सारा में जो फोर्स है वो आपको शो करना पड़ेगा। ये हो गया आर एक्स, ये हो गया आर वाई, क्लियर। ये हो गया आपके पास PC, ये हो गया आपके पास PC, ये हो गया आपके पास PS और ये हो गया 100 किलोन्यूटन, क्लियर। इसको शायद मैंने A बोला है, इसको शायद मैंने B बोला है, चलो। अब यहां पे अगर आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करोगे, फ्री बॉडी डायग्राम बन गया, ये कौन सा मेंबर है, AB आपके पास कैसा मेंबर है, AB जो है आपके पास रिजिड मेंबर है, ठीक है। सो फ्री बॉडी डायग्राम सबको दिख रहा होगा, नाउ फ्री बॉडी डायग्राम दिख रहा है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करोगे
सो समेशन एफ एक्स बराबर जीरो अगर यूज करोगे तो समझ आएगा कि x डायरेक्शन में तो कोई और फोर्स लगा ही नहीं है, तो आर एक्स क्या हो गया, आर एक्स जो है वो जीरो हो गया, आर एक्स जो है वो क्या है, आर एक्स जो है वो जीरो है। समेशन एफ आई बराबर जीरो अगर यूज करोगे तो यहां से समझ आएगा, ठीक है, साइन कन्वेंशन क्या होता है इक्विलिब्रियम इक्वेशन के लिए, प्लस माइनस यही तो होता है, राइट। सो ये हो जाएगा आर वाई प्लस ये हो गया पी सी प्लस ये हो गया पी एस इज इक्वल टू 100, ये हो गया सेकेंड इक्विलिब्रियम इक्वेशन। नाउ थर्ड अगर देखोगे सो नेट मूवमेंट इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर ए का, ठीक, नेट मूवमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू जीरो कर दो। सो यहां से अगर देखोगे तो ये आ जाएगा मेरे पास क्या, पी सी मल्टीप्लाइड बाई, पी सी मल्टीप्लाइड बाई ये डिस्टेंस कितना है 2 ना, पी सी मल्टीप्लाइड बाई 2, क्लॉकवाइज आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज तो ये माइनस, राइट, 100 का कितना आ जाएगा प्लस, क्लॉकवाइज आ जाएगा तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा 2 प्लस 1 ये हो गया 3, पी एस का क्या आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज तो पी एस मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 ये हो गया 4, दिस इज इक्वल टू 0। सो यहां से आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ पी सी प्लस 4 टाइम्स ऑफ पी एस इज इक्वल टू 300, दिस इज द इक्वेशन नंबर बी, राइट। सो दो इक्वेशन आया है, सो दो इक्वेशन मैं यहां पे नोट कर रहा हूं, ठीक है, कौन कौन सा इक्वेशन, पहला इक्वेशन तो आर एक्स बराबर जीरो, चलो ठीक है यहां से पता चल गया, जो दूसरा इक्वेशन है आर वाई यहां पे नोट कर दे रहा हूं, ये हो गया आर वाई प्लस पी सी प्लस पी एस, आर वाई प्लस पी सी प्लस पी एस इज इक्वल टू 100, ये आपके पास है इक्वेशन नंबर ए। और दूसरा इक्वेशन है टू पी सी प्लस ये हो जाएगा 4 पी एस इज इक्वल टू ये हो गया 300, दिस इज द इक्वेशन नंबर बी, दो इक्वेशन है, ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो, अब आपको जो एक्स्ट्रा इक्वेशन मिलेगा, जो कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन मिलेगा वो कहां से मिलेगा, तो वो मिलने वाला है ज्योमेट्री से, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ कि बिकॉज ऑफ दिस 100 किलो न्यूटन, इस 100 किलो न्यूटन के कारण से ये जो मेंबर ए बी है क्या ये मेंबर ए बी डिफ्लेक्ट होगा, और अगर डिफ्लेक्ट होगा तो डिफ्लेक्ट कैसे होगा, अगर डिफ्लेक्ट होगा बिकॉज ऑफ दिस 100 किलो न्यूटन तो डिफ्लेक्ट होगा तो इस वे में डिफ्लेक्ट होगा क्या, ठीक है, अगर ऐसा डिफ्लेक्ट हो रहा है तो जो स्टील का जो वायर है उसमें क्या देखने को मिलेगा, स्टील का जो वायर है वो एलोंगेट होगा, सो ये हो गया डेल्टा ए स्टील। वैसे ही अगर देखोगे ये जो कॉपर का वायर है, कॉपर का वायर में भी आपके पास क्या होगा, एलोंगेशन होगा और ये हो गया डेल्टा एल कॉपर, ठीक है। तो भाई डिफ्लेक्शन के पहले जब डिफ्लेक्ट नहीं हुआ था तो ये पोजीशन थी, नॉट डिफ्लेक्ट होने के बाद पोजीशन क्या हो गया, ये हो गया ए बी डैश, क्लियर पॉइंट, राइट। अब यहां पे चीज और समझिए कि ये जो मेंबर है ये मेंबर कैसा मेंबर था, रिजिड मेंबर, ठीक है। मेंबर दो टाइप के होते हैं, एक मेंबर होता है रिजिड मेंबर और एक होता है इलास्टिक मेंबर। रिजिड मेंबर में जब डिफ्लेक्शन होता है तो रिजिड मेंबर में जब डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, सो दो पॉइंट के बीच का रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं होता है, मतलब कोई भी डिफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा, मतलब बोलने का मतलब क्या है, ठीक है, अगर ये पहले डिफ्लेक्शन के पहले स्ट्रेट था तो डिफ्लेक्शन के बाद भी स्ट्रेट होगा रिजिड मेंबर, लेकिन इलास्टिक मेंबर, ठीक है, इलास्टिक मेंबर में दो पॉइंट के बीच का रिलेटिव पोजीशन चेंज होता है, इसीलिए डिफ्लेक्शन के पहले अगर वो स्ट्रेट है तो डिफ्लेक्शन के बाद वो स्ट्रेट नहीं रहेगा, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। सो बोलने का मतलब क्या है कि डिफ्लेक्शन के पहले जो इसका आपके पास लेंथ था वही लेंथ आपके पास डिफ्लेक्शन के बाद भी होगा, पार्टिकल के बीच का रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं होगा, बात समझ में आ रहा है। सो ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, तो आप मेरे को बताओ क्या यहां पे आप सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो क्या, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि भाई कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन चाहिए, सो कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन क्या बनेगा, बिकॉज ऑफ दिस 100 किलो न्यूटन लो ये जो मेंबर आप देख रहे हो ए बी मेंबर विच इज रिजिड, ठीक है, डिफ्लेक्ट होगा किस तरीके से, इस तरीके से, सो पहले भी डिफ्लेक्शन के पहले भी स्ट्रेट था, डिफ्लेक्शन के बाद भी स्ट्रेट ही रहेगा, बिकॉज दिस मेंबर इज द रिजिड मेंबर, दिस मेंबर इज नॉट इलास्टिक मेंबर, इफ मेंबर इज इलास्टिक देन दिस डिफ्लेक्शन इज नॉट द स्ट्रेट लाइन, क्लियर। सो यहां पे अगर हम सिमिलर ट्राइंगल कॉन्सेप्ट यूज करें तो हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल कॉन्सेप्ट क्या बन जाएगा सिंगल ट्राइंगल कॉन्सेप्ट से, यहां पे अगर देखोगे तो ये आपको दिख रहा होगा एक बड़ा ट्राइंगल, जिसके लिए मैं लिख सकता हूं डेल्टा एल स्टील डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2 और 2 प्लस 2 ये हो गया 4 इज इक्वल टू नॉट डेल्टा एल चेंज इन लेंथ इन कॉपर डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 2,
क्लियर पॉइंट राइट। अब देखो, अब यहां से अगर देखोगे सो डेल्टा एल इन स्टील और डेल्टा एल इन कॉपर क्या आएगा भाई बता सकते हो क्या? बिकॉज ऑफ द एक्सियल लोड। अगर मान लो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास कॉपर का वायर है, तो इस कॉपर के वायर में जो एक्सियल फोर्स है वो मेरे पास पीसी है, और इस पीसी के कारण से ये जो कॉपर का वायर है, इस कॉपर के वायर में आपको क्या देखने को मिलेगा, एलोंगेशन देखने को मिलेगा, आपको चेंज इन लेंथ देखने को मिलेगा, और वो चेंज इन लेंथ कितना होगा ये आप बता सकते हो। तो जैसे कॉपर में बता सकते हो वैसे आप स्टील में बता सकते हो। क्या हो जाएगा यहां से अगर मैं बोलू, ये हो जाएगा 2 2 4 ना, ये हो जाएगा 2 2 4। तो यहां से अगर देखोगे तो ये आ रहा है मेरे पास डेल्टा एल स्टील, डेल्टा एल स्टील इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2 times डेल्टा एल कॉपर राइट। तो डेल्टा एल स्टील तो ये हो जाएगा पी एल, ये हो गया ए स्टील इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा पी एल, ये हो गया ए और ये हो गया कॉपर। करेक्ट है, सही है क्या यहाँ पे? सो ये हो गया डेल्टा एल स्टील डिवाइडेड बाय 4, डेल्टा स्टील डिवाइडेड बाय 4, डेल्टा एल कॉपर डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2 राइट। करेक्ट, सो यहां से देख लो लेंथ तो सेम था ठीक है, लेंथ आपके पास कॉपर और स्टील का दोनों सेम है। ये हो गया पी एस डिवाइडेड बाय स्टील का क्रॉस सेक्शन एरिया 100 मल्टीप्लाइड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील का ई स्टील कितना है 200 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉपर में एक्सियल फोर्स एरिया, एरिया ऑफ कॉपर, एरिया ऑफ कॉपर है 200 मल्टीप्लाइड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉपर 100। सो 200 200 100 100, सो यहां से क्या आ जाएगा पी एस इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 2 times ऑफ पीसी, पी एस इज इक्वल टू 2 times ऑफ पीसी। दिस इज इक्वेशन नंबर सी। सो फ्रॉम बी एंड सी, बी और सी को देख सकते हो, तो यहां से अगर देखोगे फ्रॉम बी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर बी क्या लिख सकते हो यहां से, ये हो जाएगा 2 पी सी प्लस ना 4 पी एस, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा 2 पी सी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 300। सो यहां से कितना आ जाएगा 4 2 8, ये हो जाएगा 10 पी सी इज इक्वल टू 300। सो यहां से पी सी कितना आ गया, पी सी आ गया 30 किलोमीटर, that PC is 30 kilonewton and what is PS, that PS is nothing but the 60 kilonewton, PS जो आ जाएगा वो आ जाएगा 60 kilonewton, PS आ गया 60 kilonewton, PC आ गया 30 kilonewton। अच्छा यहां से RY भी निकाला जा सकता है क्या? अगर क्वेश्चन में आपको बोला जाए कि A पे रिएक्शन कितना होगा, तो A पे रिएक्शन RH तो 0 आ गया, RY कितना आ जाएगा 100 माइनस PC माइनस PS, तो 100 माइनस 60 माइनस 30 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 kilonewton। अपने को स्ट्रेस फाइंड आउट करना था, तो स्ट्रेस फाइंड आउट करना था, हो जाएगा ये हो जाएगा कॉपर में स्ट्रेस, तो ये हो जाएगा पीसी, पीसी ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय एसी, तो एसी ये है मेरे पास कितना, ये है मेरे पास 200, ये हो जाएगा 10 to the power 3, किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करोगे, नाउ दिस इज न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या फिर मेगा पास्कल ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा भाई, यहां से अगर देखोगे तो ये हो जाएगा 150 मेगा पास्कल, 150 आएगा ना ठीक है, 1.5 ठीक है, तो 300 डिवाइडेड बाय 2 150 मेगा पास्कल, और स्टील में अगर देखोगे स्टील में तो ये कितना आ जाएगा, स्टील में स्टील में पीएस कितना है 60 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्टील ये है 100 ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 600 मेगा पास्कल या फिर 600 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ठीक है। तो ये आपके पास कॉपर और स्टील के वायर में क्या है गया, स्ट्रेस आ गया ठीक है। तो ये आपके पास इसका एग्जांपल था, स्टैटिकली इन डिटरमिनेट प्रॉब्लम का एग्जांपल था, स्टैटिकली इन डिटरमिनेट प्रॉब्लम का ठीक है। सो अगर कभी भी स्टैटिकली इन डिटरमिनेट प्रॉब्लम आए ठीक, सो हमेशा आपको कॉम्पिटिबिलिटी इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा, और वो कॉम्पिटिबिलिटी इक्वेशन आपको प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा ठीक है। चलिए ये प्रॉब्लम कंप्लीट होता है, नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं ठीक है।